राग शुद्ध कल्याण। राग शुद्ध कल्याण की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। इस राग में भूपाली और कल्याण इन दोनों रागों का समावेश है। अतः कुछ संगीतज्ञ इस राग को भूप कल्याण भी कहते हैं। इसमें तीव्र मध्यम यानी तीव्र म के अलावा शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में मध्यम और निषाद अर्थात म और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं, तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। परंतु अवरोह में इन दोनों स्वरों का अल्प प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़ संपूर्ण है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर धैवत यानी ध है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। राग शुद्ध कल्याण के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। अब प्रस्तुत है अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। अब प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण की स्वर मालिका की स्थाई। गारे सारे अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग ग रे ग प ध प सा 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 रे सा ग ग रे ग प
da pa sa 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 re sa ga re sa da ni da pa ma ga 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 re pa re sa sa ga re sa da ni da pa ma ga 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 re pa re sa sa ga re sa re अभी आपने राग शुद्ध कल्याण की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, इस माटी को करो प्रणाम। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई। इस माटी को अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। जीवन का आरंभ है इसमें, जीवन का आरंभ है इसमें, इसमें जीवन का अब प्रस्तुत हैं इसी रचना में सरगम के आलाप और तान। इस माटी इस माटी को करो
इस माटी को करो अंत में इस राग की बंदिश को आइए एक बार फिर से सुनते हैं। इस माटी को करो प्रणाम, इस माटी को करो प्रणाम, माटी अमर है बरसे